क्रिएटिव थिंकिंग सक्सेस की रिक्वायरमेंट है, और क्रिएटिव वे में सोचने के लिए हम जो भी करें उसे करने के कुछ नए और इम्प्रूव्ड तरीके सोचने होंगे। क्रिएटिव थिंकिंग का मीनिंग है बेटर ढंग से सोचना। ये वो थिंकिंग है जो हमेशा हमें एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए इनकरेज करता है। एक आदमी के पास दो लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों सेल्समैन उसे एक इंश्योरेंस प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों ने उस आदमी से प्रॉमिस किया कि वो उसे एक बढ़िया प्लान ऑफर करेंगे। फर्स्ट सेल्समैन ने उस आदमी को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। उस आदमी की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से उसने प्लान अपने वर्ड्स के थ्रू बताया, लेकिन उस आदमी को कुछ समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स ऑप्शन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लेन किया, बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी थी। सारी बात सुनने के बाद वो आदमी और भी कंफ्यूज हो गया, इसलिए उसने उस सेल्समैन को प्लान लेने से मना कर दिया। अब सेकंड सेल्समैन की बारी थी। उसने एक डिफरेंट अप्रोच यूज़ की। उसने सारी डिटेल्स एक बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम के थ्रू शो की। उस आदमी को सेकंड सेल्समैन का प्रपोजल इजीली समझ में आ गया था, इसलिए उसने उसी टाइम इंश्योरेंस डील साइन कर दी। तो जब आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप क्रिएटिव वे में सोच सके, तब आपकी सोच का दायरा भी फैलेगा और नए नए आइडिया भी आने लगेंगे जो आपको अपने गोल के बेहद करीब ले जाएंगे। अपने थॉट्स को फ्रीडम दें। इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। नए नए एक्सपेरिमेंट करो और क्राउड से अलग अपनी पहचान बनाओ। टॉकिंग और लिसनिंग की भी प्रैक्टिस करो, और ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करो जो खुद क्रिएटिव थिंकर हैं।